हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो IBPS के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट है वह जारी हुआ है। आज उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या रिलीजियस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगा, ठीक है, और क्या आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बोल देंगे, ठीक है। आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो के साथ जुड़ रही है और 24x7 जो ऑफिशियल ऑफ यूट्यूब चैनल है उसके साथ हर रोज जुड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप सब देख ही सकते हैं जो IBPS के द्वारा आपका सिलेक्शन आपका करा जाएगा। आपका जो है पर जो रिजवान जो रूरल बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही पर ही आपको रिक्रूटमेंट जारी किया गया। आप देख सकते हैं आपका ऑफिसर रैंक स्केल 1 2 3 एंड आपका ऑफिस जो एक्सटेंड है जो मल्टीपर्पज, ये पर ही आपको जारी होगा। चलिए देखते हैं इनकी क्या क्या आपको नोटिफिकेशन दिया है। पहले तो आप मैंने पहले आपको बता दिया था आपका यहाँ पर जो रूरल जो बैंक होता है जब सभी स्टेट में वही पर ही आपका होगा। पार्टिकुलर आपका कोई भी नॉर्थ बैंक में आपका होगा, सभी बैंक में आपका होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या बैंक में आपका है होगा रिक्रूटमेंट होगा पार्टिसिपेट जो RRB है। इसमें पहला तो आपको जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आप सभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है, उसके आपको जिसमें आपका ये एक बार खास चीज होता जो बैंकिंग सेक्टर का, आप जिस भी स्टेट पे आपको नौकरी करना होगा वही स्टेट का आपको होना होगा, प्लस वही स्टेट को आपका लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक आ गया, ठीक है, उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश बैंक जहाँ पर है, उसके बाद आसाम ग्रामीण बैंक हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल मंगया ग्रामीण बैंक जो मुर्शिदाबाद नाम में जगह है वहाँ पर है, उसके बाद आ गया जो गुजरात जो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक आ गया, आपका बड़ौदा जो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक आ गया, बड़ौदा UP बैंक आ गया, ठीक है, एरकम बहुत सारा बैंक यहाँ पर है आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पटना में स्थापित है यहाँ पर, उसके बाद जो प्रिटेंट जो हेड ऑफिस है यहाँ पर, उसके बाद आ गया जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक आ गया, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक आ गया, उसके बाद झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक आ गया, कर्नाटक ग्रामीण बैंक आ गया, इन सब बहुत ज्यादा है आपको, केरला बैंक आ गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सब बोल के आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप जब सुनेंगे वीडियो को तभी आप देख सकते क्या क्या आपका आपका स्टेट से क्या क्या बैंक वो दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपका हो ही गया है। उसके बाद आ गया जो पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक आ गया जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, यस, क्या का लोकल लोकल लैंग्वेज है बंगाली, तो बंगाली कैंडिडेट से अगर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया तमिलनाडु बैंक आ गया, बहुत सारा टोटल 43 यहाँ पर बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इस बैंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑनलाइन वेबसाइट के जा रहा आप वहाँ पर जगह चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर कुछ भी इंक्रीज हो सकता है तभी भी आप देख सकते हैं, आप वहाँ पर अपडेट होता रहता है, आप लोग वहाँ से भी अप्लाई और यह सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख सकते हैं आपको दे दिया कैंडिडेट्स ने नोट एलिजिबल क्राइटेरिया बेसिक क्वालिफिक बेसिक क्राइटेरिया द अपॉइंटमेंट टू द सब द पोस्ट द रिलीजियस ग्रोथ बैंक हाउ एवर अप्लाई द क्वालिफाई CIP and the previously allotted for the RRB do not employ the candidate the necessary eligible employment of any rural bank. The ultimate authority recruitment the general rural bank itself. तो पहले तो आपको CRP आपको द्वारा आपको अप्लाई करना होगा, सेल्फ को आपको क्वालिफाई करना होगा, पहला सब जानते हो कि आपका CPG होना होगा नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान नेपाल, सब तो आपको रहता ही है सब कुछ है, पर आप देख सकते हैं पहला जो आपका है जो ऑफिस स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर है वो 21 से लेकर 40 ईयर्स तक आपको होना होगा एज लिमिट तो ही अवे पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आएगा ऑफिस स्केल 2 जो मैनेजर पोस्ट पर है आपको 21 से 32 ईयर्स, उसके बाद आएगा जो ऑफिस असिस्टेंट आ गया जो स्केल 1 है आपको 18 साल से लेकर 30 साल, उसके बाद जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज भी आपको 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपको होना होगा। और सभी लोग जानते ही होगा यहाँ पर SC ST को 5 साल का छुट मिलता है और OBC को 3 साल का मिलता है और PWD को 10 साल छुट मिलता है और SC को अलग से भी यहाँ पर छूट मिलता है 3 साल का और अलग से, ठीक है।
उसके बाद जो इंस्पेक्शन दिया है पेड़ा, आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा ही आप करेंगे तो भी आप यहाँ पर चलेगा, ठीक है। सी कैटेगरी जो है पर है अलग से दिया है, जो उसके बाद जो EWDS कैटेगरी होता है जो इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग नोटिफिकेशन दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो जरूरत हो तो भी देखिए, नहीं है तो एक बार मत देखिए। उसके बाद आएगा जो आपका जो मेन जो आपका जो क्वालिफिकेशन है आपको एक बार देना होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट देख सकते हो आप, 27 जून का यहाँ पर लास्ट डेट हो गया है, ठीक है। जो 27 जुलाई, सॉरी आपको 27 जुलाई तक, आपको 27 जून तक आपको लास्ट डेट करना है, उसके पहले आपको अप्लाई करना होगा। एक बार देख सकते हैं आपको, आपको जो पहले ऑफिस जो मार्केट पर से एक बार आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा, और मैंने पहले आपको बता दिया था आपको ऑप्शन लोकल लैंग्वेज बेसिक बाय RRB डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऑफिस असिस्टेंट जो है जो असिस्टेंट मैनेजर था ये भी आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और आपको कैंडिडेट्स हैव बीन डिग्री टू एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एनिमल हार्वेस्टिंग दे दिया आपको, आई हार्वेस्टिंग साइंस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑपरेशन मार्केटिंग बीएससी लॉ इकोनॉमिक्स द्वारा। उसके बाद अगर ऑफिस स्किल जो जनरल मैनेजिंग जो ऑफिसर है एवर बैचलर डिग्री कम्प्लीट करना होगा, एटलीस्ट 50% मार्क्स को लाना ही होगा, ठीक है। और विल बी कैंडिडेट तो डिग्री बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर वेटनरी लॉ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद आ गया जो स्पेशलिस्ट मैनेजर जो अपने गेट टू एवर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर ए पर आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और IT में, ठीक है। और इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपको यहाँ पर रखना होगा, और अलग से दे दिया है पर क्या है तो ठीक है, नहीं तो भी है पर ठीक है, पहला ये आपका मेन होता है। उसके बाद आ गया जो ऑफिसर स्केल 3 एप्लीकेशन फिनिश मेजर है, जैसे बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा आपका, ठीक है। और 50% मार्क्स आपको रखना होगा, और ऐसे डिप्लोमा कैंडिडेट सब तो भी अप्लाई सकता है, डिप्लोमा है तो भी ठीक है, और देख सकते किस भी कैटेगरी से आपको रखना होगा। एक बार ऐप पर रहेगा तो आप एक बार देख सकते हैं एक्सपीरियंस आपको ये दिया है, ऑफिस मल्टीपर्पज स्केल पर नहीं दिया है, पर जो पर मैनेजर पोस्ट है वो 2 साल ऑफिसर बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट। उसके बाद आ गया आपका मैनेजर पे 1 ईयर रिवन फीट, ठीक है। और सीनियर मैनेजर सीनियर पास 5 ईयर एक्सपीरियंस इज ऑफिसर बैंक फाइनेंस एज अ फाइनेंस बैंक और फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सब कुछ तो आपको दे दिया है, आप लोग ऐसा देख सकते क्या क्या आपको जारी हो गया था, और क्या क्या परसेंटेज और आपको परसेंटेज हो गया, आप क्या क्या परसेंटेज आपको आपको पता रखना होगा, 60% मिनिमम तो आपको रखना ही होगा, ठीक है। क्यों उन्होंने दे दिया था आपको अच्छा होगा, और आप प्रोफेशन से लोकल लैंग्वेज को आपको जानना ही होगा, लोकल लैंग्वेज तभी आप आपको काम कर सकते हो, वहीं पर ही आप आपको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फीस लगेगा जो यहाँ पर ऑफिसर गेट 1, 1, 2, 3 है, यहाँ पर जो जनरल और जो OBC कैंडिडेट है उनको 850 रुपीज को देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा दे दिया यहाँ पर और जो SC ST PWD उनको दे 170 रुपीज देना पड़ेगा, और जब जो मल्टीपर्पज पे यहाँ पर भी उनको 850 रुपीज देना पड़ेगा, और SC ST PWD और SC SC को यहाँ पर 175 रुपीज उनको देना पड़ेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका जो ऑनलाइन आपका एग्जाम कैसा होगा, पहले तो आपको जो प्रीमियर वाली एग्जाम आपको तो क्लियर करना पड़ेगा, और जो ऑफिसेंट है या जितनी एबिलिटी मिलेंगे टोटल आपको 80% आपका होगा, टाइम 45 मिनट दिया जाएगा आपका, ठीक है। इसको जो ऑफिसर स्किल 1 है यहाँ पर आपको रीजनिंग कॉन्ट्रीब्यूट आपको 80 मार्क्स का आपको आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है जो मेन एग्जाम, मेन जो ऑफिसेंट है मल्टीपर्पज पर भी आपको 200 मार्क्स का आपका होगा, उसके बाद जो ऑफिसर स्केल 1 है यहाँ पर भी आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फॉर ऑफिस स्केल 1 एंड ऑफिसर मल्टीपर्पज यहाँ पर कुछ अलग से मोटिवेशन दे दिया, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर मीडिया पर्सन टेस्ट। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज टेस्ट भी आपका होगा, मानो तो जो आंध्रा है उनको हिंदी इंग्लिश तेलुगु उनको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आगे आपका जो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको हिंदी इंग्लिश बंगाली आपको बोलना पड़ेगा, बंगाली यहाँ पर काफी होता है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आ गया जो आपका बैंक जनरल बैंकिंग मैनेजर, देख सकते 200 मार्क्स का आ गया, स्पेशलिस्ट गेट का भी 200 मार्क्स का आ गया, ऑफिस गेट के 240 मार्क्स का पार टेस्ट का आपका होगा, टोटल आपका 200 मार्क्स के पर होगा, ठीक है। सब कुछ दे दिया आपका, कट ऑफ स्कोर भी कितना रहेगा सब कुछ आपको दे दिया आपका, एप्लीकेशन प्री वाली टेस्ट, मेन स्केल, एंट्री लेवल, एक सब कुछ आपका, जब सब कुछ जानकारी यहाँ पर उन लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना ताकि आपको जॉब डेटा हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे सैलरी में हर रोज वीडियो आते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, आप सभी के लिए बेस्ट को सब लोग ध्यान से पहुँच।